डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट का खर्च कितना होता है, कितना कॉस्ट होता है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट का। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम दांतों को सही अलाइनमेंट के लिए, उनकी गैप्स क्लोज करने के लिए, या आगे पीछे ओवरलैप है, टेढ़े मेढ़े हैं, वो सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। आपने सभी ने अपने कहीं ना कहीं किसी पहचान वाले को या किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, टीनेजर या कॉलेज की एज में या इवन एडल्टहुड में बाद में भी ब्रेसेस लगाए हुए देखा है। तो ब्रेसेस के लिए सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें काफ़ी वाइड रेंज जो है वो कॉस्ट की समझ में आती है। कई बार 15-20-25 हज़ार रुपये में ब्रेसेस हो रहे होते हैं, कई बार 1 लाख रुपए तक भी इनका खर्च जा रहा होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, कितना खर्च सही है, कैसे समझे कि खर्च कितना होगा, इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ डॉक्टर अंकित सेरेफिक, डेंटल इंदौर से। और मेरा अनुरोध सभी उन लोगों से है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम दांतों के ट्रीटमेंट से संबंधित सभी अपडेट्स, जानकारियां और तथ्य और वो सब कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है आप तक पहुंचा सकें। आज हम बात कर रहे हैं कि डेंटल ब्रेसेस का खर्च कितना होता है, कितना खर्च सही है। चूंकि ये बड़ा ट्रीटमेंट है तो हम इसे बार बार करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि एक बार अगर साल डेढ़ साल किसी ने ब्रेसेस लगा लिए हैं तो अब हम ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ और दोबारा किसी ने बोल दिया कि साल डेढ़ साल लगाए तो वो चीज़ सही नहीं होगी, हम उसमें परेशान हो जाएंगे कि यार इतना दोबारा कैसे करेंगे। तो ब्रेसेस में सही ट्रीटमेंट प्लान का चुनाव प्रॉपरली वो हो जाए और सब बातें जैसी आपने तय की हैं वो आपको रिजल्ट मिले, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप 2-3 जगह कंसल्ट करते हैं ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करने के पहले, क्योंकि बड़ा ट्रीटमेंट है तो आप 1-2 ओपिनियन लेते हैं, फिर आपको जहाँ ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है आप वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब इसमें जो खर्च की बात आती है, एक वाइड रेंज, वाइड वैरायटी हमें समझ में आती है। कहीं सुनने में आता है कि किसी ने बोला है कि अरे मेरा ट्रीटमेंट तो 20,000 रुपये में हो गया। कहीं आप किसी डॉक्टर से पूछने गए, दिखाने गए, तो उन्होंने 70-80 हज़ार रुपये बताए। तो आपको लगता है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट यहाँ इतने में ऐसा क्यों हो रहा है, तो आखिर ये क्यों, इतना फर्क क्यों। देखिए, क्या क्राइटेरिया पे ब्रेसेस का कॉस्ट तय होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, तो आप खुद अपने आप को उन क्राइटेरियाज में रख के ये समझ पाएंगे कि आपका जो खर्च है वो कितना जायज है या किस रेंज में खर्च जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज तो जो दोस्तों किसी ट्रीटमेंट में होती है वो होती है उस ट्रीटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी। कोई ट्रीटमेंट आसान होता है, जल्दी पूरा हो जाने वाला होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ होती है कि हाँ इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करते आ रहे हैं और ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बात नहीं है। कोई ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पे 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपके डॉक्टर का टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ उसमें ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, स्किल ज़्यादा लगेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। आप खुद अपने आप को ये इमेजिन करके देखें कि आपका जो दांतों का सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया तो हम सभी को हमारे खुद के दांतों को लेकर समझ में आ जाता है। दूसरी बात होती है कि आपके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना है। छोटा ट्रीटमेंट है तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी, बड़ा ट्रीटमेंट है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये भी हमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, कितने दिन का ट्रीटमेंट है, एक महत्वपूर्ण बात है जो कॉस्ट तय करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है आपके डॉक्टर का स्किल और एक्सपीरियंस। अब देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस और स्किल की कोई कीमत आप कागज पेन पे फॉर्मूले से निकाल के नहीं बता सकते। ये तो हर आदमी का करते हुए अपना खुद का डिस्क्रिशन होता है, फैसला होता है, उनका सालों का तजुर्बा होता है कि भी मैं इस काम को इस तरह से करता आ रहा हूँ, मैं अपने रिजल्ट पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पेशेंट्स जो हैं वो बिना दर्द के, बिना परेशानी के बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं, तो उस बात का मैं पैसा लेता हूँ। थोड़ा फर्क इस चीज़ के कारण भी आपके ट्रीटमेंट में आएगा। हालांकि देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि कोई अपने पेशेंट से बहुत ज़्यादा इस बात के पैसे ले लेना चाहते हैं या बहुत महंगा उसको कर देना चाहते हैं। फिर भी अगर आप एक स्किल की बात करें, जो स्किल सालों साल लग जाते हैं सीखने में, कई किताबें मोटी मोटी इसके लिए डॉक्टर्स को आपके पढ़ना पड़ती हैं। आप जिस भी शहर से मुझे इंडिया के सुन रहे हैं, इस बात को समझें कि कई बातें इसमें रहती हैं, कई सारी थ्योरीज होती हैं, कई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड होती हैं, कई कोर्सेज डॉक्टर ने किए होते हैं, बहुत मेहनत करके डॉक्टर वहाँ तक पहुँचे होते हैं कि ये ट्रीटमेंट को हम अच्छा कर पाएँ। तो वो जो स्किल उन्होंने सीखी है और जो सालों साल अपनी ज़िंदगी के उस चीज़ को समझने में दिए हैं, तो उस चीज़ का भी फ़र्क आपके कॉस्ट पर आता है। इस बात को हम कहीं ना कहीं स्वीकार
हमें करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि किस तरीके का ब्रैकेट सिस्टम और किस तरीके के वायर्स और किस तरीके की प्लानिंग आपके ट्रीटमेंट की गई है। देखिए, ये जो हार्डवेयर यूज इसमें होता है ये भी अलग अलग टाइप का आता है, अलग अलग कॉस्टिंग का आता है। आप अच्छी ब्रांड का हार्डवेयर मतलब ब्रैकेट्स वायर्स ये सारी चीजें जो मुंह में लगनी है, जो ब्रेसेस जिसे हम कहते हैं, अगर अच्छी कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का यूज करेंगे तो फ्रेंड वो थोड़ा कॉस्टली होगा ही, थोड़ा सस्ता यूज करेंगे तो आपको वो सस्ता पड़ जाएगा। तो उससे भी कहीं ना कहीं फर्क आपके ट्रीटमेंट पे आता है, बहुत सारी बातों में फर्क आएगा, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में फर्क आएगा उस चीज को यूज करने के, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो वैसा ही ओवरऑल एक्सपीरियंस में फर्क लाना चाहते हैं और आप उसको समझ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस बात को समझें कि कोई ऐसा नहीं होता कि अगर x अमाउंट में ट्रीटमेंट हो रहा है और 2x अमाउंट में ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो सेम हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता। कोई ज़बरदस्ती डबल चार्ज थोड़ी ना कर रहा है, कुछ दे रहा है आपको उसके बदले में। क्या दे रहा है आपको? एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। कैसे दे रहा है? कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो तय समय में पूरा हो, आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको कोई दर्द तकलीफ ना हो, आपके ट्रीटमेंट के दौरान दांतों को कोई डैमेज ना हो जाए, जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए, तय समय पे मिल जाए, बिना तकलीफ के मिल जाए, बिना किसी नुकसान साइड इफेक्ट के मिल जाए और आपकी पूरी चीज एक स्मूथ बनी रहे, उस बात में, उस चीज को इंश्योर करने में बहुत सारी बातें वहां पर इन्वॉल्व है। कंपनी की मैंने आपसे बात की कि अलग अलग कंपनीज के सिस्टम आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, ब्रांडेड भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं अलग अलग टाइप के, तो उससे कॉस्ट का फर्क आता है। अब आप जिस बजट में जिस रेंज में काम करेंगे उस तरीके का सिस्टम आपके डॉक्टर आपके लिए यूज करेंगे, तो आप समझे ये सब डिटेल में कि आप क्या यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं और क्या फर्क है इन चीजों में। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कॉस्ट पेशेंट की सेव करके थोड़ा इकोनॉमिक चीजों को भी यूज कर सकते हैं, उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस केस में उतनी डिमांड नहीं है कि हम बहुत ब्रांडेड कंपनी का ही अगर ये ब्रैकेट सिस्टम लगाएंगे तो ही रिजल्ट आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल केस है। तो वहां पर हमारी पूरी इच्छा रहती है और हमें लगता है कि सभी डॉक्टर्स की पूरी इच्छा रहती है कि हम पेशेंट के जो है पैसे वहां पर बचवाएं और हम उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव उसको बना करके दे दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा समझ में आता है कि यहां पर तो हमें बेहतर कंपनी पे ही जाना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट में फर्क आ सकता है, ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में फर्क आ सकता है, पेशेंट को ओवरऑल जो चीज उससे मिलनी है उसमें फर्क आ सकता है, तो क्यों ना फिर बेहतर कंपनी के सामान यूज करें, बेहतर हम ब्रांड्स पे जाएं। तो ये चीज भी डॉक्टर आपको समझाते हैं। तो ये कंपनी का आपके ब्रैकेट सिस्टम का फर्क इसमें यहाँ पर होता है। थोड़ी टेक्नोलॉजी का भी फर्क होता है, जैसे अगर सिंपल ब्रेसेस हैं तो वो सस्ते हैं, इकोनॉमिक हैं, अगर इसमें जो एडवांस ब्रेसेस आजकल हम सेल्फ लाइगेटिंग यूज करने लग गए हैं वो महंगे हैं, काफी फर्क आ जाता है उससे कॉस्ट में। तो अगर सेल्फ लाइगेटिंग आप ब्रेसेस यूज करते हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट थोड़ा फास्ट कंप्लीट कराते हैं, हाइजीनिक रहते हैं, वहाँ पे फूड पार्टिकल्स कम फंसते हैं तो दांत में इससे सड़न पैदा होने की संभावना नहीं होती है और वो दिखते कम है क्योंकि उसमें जो हमारा लाइगेचर का सिस्टम है उसकी जरूरत नहीं है, वो सेल्फ लाइगेटिंग ही है चीज, तो इस बात का भी फर्क वहाँ पर आ जाता है। तो ये चीज भी आपको समझना चाहिए कि किस टाइप की टेक्निक से आपका काम हो रहा है। तो ये सारी बातें जब आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एक डाइवर्स ट्रीटमेंट है, मतलब वाइड रेंज वाला ट्रीटमेंट है। अगर कोई फोन करके मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब ब्रेसेस करवाने आना चाहता हूं मैं, क्या चार्जेस हैं, तो इसका जवाब मैं बिल्कुल भी फोन पे नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, और अगर कोई दे रहा है तो वो मिसगाइड कर रहा है। कई ब्रेसेस के ट्रीटमेंट 25-30 हज़ार रुपये में पूरे हो जाते हैं, 35 हज़ार रुपये में पूरे हो जाते हैं, कई ब्रेसेस के ट्रीटमेंट जो है वो 1 लाख रुपए तक भी चले जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपका ट्रीटमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है, आपके ट्रीटमेंट में कितनी ड्यूरेशन है, कितने समय का ट्रीटमेंट है, मेरी कितनी समय एनर्जी और मुझे आपको देनी है, कितना स्किल डिमांडिंग है, कितना वो काम में मैं किस तरह का हार्डवेयर यूज करना चाहता हूँ, आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपका क्या माइंड सेट है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इस तरह की कई सारी बातें इसमें इन्वॉल्व होंगी, तब जाकर कॉस्ट हमें समझ में आएगा। तो आप कृपया करके अपने डॉक्टर से फोन पे ये सब ना पूछें, आप जाएं दिखाएं, भले आप 2-3-4 डॉक्टर दिखाएं, सबसे ट्रीटमेंट प्लान ले, समझे, आप पूरा कन्विंस होने के बाद आगे बढ़े। कॉस्ट में फर्क जगह जगह आपको मिलेगा, इन्हीं सब बातों को डिपेंड करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा इसी में आपको, कि आफ्टर केयर, आपके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान कई सारी बातें होती हैं, कभी ब्रैकेट टूट जाते हैं, कभी वायर चुभता है, कभी कुछ, तो ये सब बातें भी आपके डॉक्टर को हैंडल करना होती है। तो वो कितनी आपको आफ्टर सर्विस दे रहे हैं, ओवरऑल कितना सपोर्ट आपको वहां पर है, कितना हाइजीनिक वो क्लिनिक है, तो इस सब बात का फर्क आपके ट्रीटमेंट पर पड़ेगा। जितना स्किलफुल आपके डॉक्टर होंगे उतना अच्छा आपका ट्रीटमेंट प्लान बनेगा, अब प्लान अच्छा बनेगा तभी तो अच्छा रिजल्ट होगा।
तो अगेन वही बात है कि स्किल जो है वो कॉस्टली तो होती ही है, कोई भी चीज की स्किल। तो ये सब बातें मिल करके ट्रीटमेंट की कॉस्ट बनाती हैं। ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो एक अलग अलग पेशेंट में अलग अलग कॉस्ट टाइप का सिस्टम ब्रेसेस में होता है। एक स्टैंडर्ड चीज नहीं है, जैसे अगर आप मुझसे पूछे कि डेंटल कैप की कीमत कितनी है, तो मैं उसका एक सीधा जवाब दे सकता हूँ कि डेंटल कैप की कीमत इतनी है, क्योंकि वो कैप एक कैप है, उसमें कोई अलग अलग टाइप की कैप जरूर है, पर वो सभी पेशेंट में वो कैप तो उतने की ही लगेगी। कैप में भी बहुत वैरायटी है, कोई कैप 2000 की है, कोई 5000 की, कोई 10000 की, लेकिन 10000 वाली सब में 10000 नहीं लगेगी। पेशेंट टू पेशेंट उसमें फर्क नहीं आने वाला, वो टाइप की कैप तो वही कैप है, तो वो सब में उतने की लगेगी। लेकिन ब्रेसेस में ऐसा नहीं है। ब्रेसेस में जो सिस्टम मैंने ब्रैकेट ब्रेसेस का यूज किया है, वो सेम यूज करूं अगर मैं दो लोगों में, तो भी उनकी प्राइस अलग अलग हो सकती है ट्रीटमेंट की, क्योंकि ट्रीटमेंट का टाइप अलग अलग है ना, ट्रीटमेंट की डिमांड अलग अलग है ना। किसी के इसमें सिंपल स्पेसेस है, उन्हें क्लोज करना है, तो किसी के इसमें बहुत क्राउडिंग है, ओवरलैपिंग है, एक्सट्रैक्शन है, हमें एंकरेज डिवाइस लगाना है, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर फिर मैं कॉस्ट सेम कैसे हो सकती है। मैं अगर दो घर बना रहा हूँ, दोनों की डिमांड अलग अलग है, तो सेम प्राइस में कैसे बन सकते हैं? डिमांड का फर्क है ना, कि आपको चाहिए क्या, किस तरह की चीज चाहिए, आपके केस की डिमांड क्या है। तो इसलिए ब्रेसेस की कॉस्ट जो है वो एक लाइन में नहीं बताई जा सकती, फोन पे नहीं बताई जा सकती, या एक स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं हो सकती कि अगर वहां ब्रेसेस 20,000 में लग रहे हैं, हमारे पड़ोसी के 20,000 में लगे थे, तो हमारे भी 20,000 में क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर टू डॉक्टर फर्क आएगा, केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट फर्क आएगा, ब्रैकेट कंपनी का फर्क आएगा, ओवरऑल सब चीजें आप देखोगे तो आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इससे परेशान ना हो कि अरे यार वो तो लूट रहे हैं, वो तो डबल प्राइस बताते हैं, ऐसी बातें मन में ना लाएं। आप समझें, फर्क को समझें। सबसे अच्छा तरीका आपको ब्रेसेस की कॉस्ट समझनी है और इवेल्युएट करनी है कि आपको जो कॉस्ट बताई गई है वो सही है या नहीं है, आप चार अच्छे ब्रेसेस के डॉक्टर से मिलिए। आप मिलेंगे, आप सबसे ट्रीटमेंट प्लान समझेंगे, सबका ओपिनियन समझेंगे, फिर आप कॉस्ट को इवेल्युएट कीजिए, क्या ज्यादा कन्विंस करता है आपके माइंड को, फिर आप वो काम कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि डेंटल ब्रेसेस की कॉस्ट कैसे तय होती है और कितनी होती है। अगर ब्रेसेस से जुड़ी कोई भी बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमें लिख करके पूछ सकते हैं। मैं सभी को एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट विश करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।